अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैंने यहाँ पहुँचने से पहले एक मदरसे पे जाके बच्चों से मिल के आ रहा हूँ। उन बच्चों की ख्वाहिश है कि एग फ्राइड राइस खाने के लिए उनका दिल कर रहा है, इसलिए मैं सोचा कि 2000 अंडों से उन लोगों को एग फ्राइड राइस बना के और उन तक पहुँचाऊँ। चलिए देखते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, उसको किस तरह से मैं बनाता हूँ और उन तक पहुँच के सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, उनको पेट भर खाना खिलाने के लिए सोच रहा हूँ। चलो दुआ दीजिए। देखते हैं कहाँ तक आया है। खाना आधा पक गया, पूरा होते ही इसको निथार देके फ्राइड राइस बना देंगे। रेडी, खाना पूरा पक गया। अब हम लोग कढ़ाई ले लेंगे और चूल्हे पे रख के जो भी फ्राइड राइस के लिए ज़रूरत है वो काम करेंगे। अल्लाह अकबर। गर्म हो गया, हरी मिर्ची इसमें डाल देते हैं। चिली तैयार है कच्चे, पहले इसको जरा थोड़ा फ्राई होने दीजिए। हाँ, इसका प्याज ब्राउनिश कलर में आते ही जो बीन्स अपन कटा हुआ रखा था छोड़ दीजिए। बीच बीच में प्याज मिलाते रहिए ताकि वो दाग ना लगे। प्याज पकते ही एक अलग सा प्लेट में निकाल के रख दीजिए। ये बहुत गर्म है, ये हम धीरे धीरे निकालेंगे। थोड़ा इसमें ही प्याज छोड़ दीजिए और जैसे जितने भी पूरे अंडे हैं वो एक एक करके इसमें डाल दीजिए।
बहुत जरूरी है कि अंडे पूरे अच्छी तरह से कुल 2000 अंडे इसके लिए ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये पूरे फोड़ के इसमें डालेंगे। दुनिया में ही पहली बार शायद मैं ये 2000 अंडों का एक फ्राइड राइस बना रहा हूँ, वो भी मासूम बच्चों के लिए। उन लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम लोग, हमारा टीम मिलके ये फ्राइड राइस बना रहे हैं। मुझे भरोसा है कि अल्लाह के फजल से ये बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार खाना बनेगा। अच्छी तरह पक गया है, इसमें जो आप पहले हम लोग जो प्याज तल के रखे थे वो डाल दीजिए। थोड़ा मज़े के लिए ये अदरक का, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, इसके वजह से मज़े का बनेगा। प्याज का पत्ता भी डाल दीजिए उस पर और फिर से अच्छा मिला दीजिए। जैसे जैसे पक रहा है नमक भी डाल दीजिए। आपको शायद देखते ही पता चलेगा, आपको शायद समझ में आ रहा हो कि ये कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। जब ख़त्म हो जाएगा खाने को दिल करेगा। एक बार टेस्ट करके देखते हैं नमक बस हो गया या नहीं। बहुत खूब बन रहा है। चलो इसमें खाना डाल लेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ा प्रोसेस है वो ख़त्म होते ही अपना पकवान हो जाएगा। एक चम्मच हल्दी भी डालें। हाजमी के लिए जो धनिया का पाउडर रहता है वो एक स्पून भी डालेंगे, बाद में खाने में भी डालेंगे, पूरा खाना इसमें डाल देंगे। जो बाकी मिर्ची और नमक, जो भी इसमें हल्दी जो भी जरूरत है आप डाल दीजिए। धनिया पाउडर
जो पकवान हम लोग बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। कोथमीर डाल दीजिए, इससे इतना अच्छी खुशबू आएगी। और ये चूल्हे पे से उतार दो। जी हाँ, जैसे हम लोग सोचे थे एग फ्राइड राइस बनाने का, उसी तरह और उतनी ही मज़े की एग फ्राइड राइस बन गया है। और चलिए, इसे पहले मैंने जिक्र करा था कि बच्चों तक ये खाना पहुंचाया जाएगा, उसी तरह उसी सोच से एक अच्छे इरादे से हम लोग बच्चों के पास ये खाना पहुंचाएंगे। चलिए। जो मकसद से हम लोग खाना बनाए हैं वो पूरा हुआ है। सारे बच्चे इतने खुशी से और पसंद से खाना खाए हैं और तारीफ भी उतनी ही करी थी। और जैसे भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, पब्लिक उतनी ही अच्छी रिस्पांस मिल रही है, और उससे हम लोग को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि रोज़ के एक वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाने की। इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। इसके लिए इतना करिए कि सब्सक्राइब करिए, हमें मदद करिए। अल्लाह हाफिज़।